हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं क्लास टेंथ का झारखंड बोर्ड का साइंस का जो आपका VVI क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं उसको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं यहां से आपका जो सेट का इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे लास्ट तक देखें, कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको सब समझ में आए कि हम क्या बता रहे हैं। और दोस्तों, अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, आप उनको, पूरे झारखंड के बच्चे को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो और वो अच्छा मार्क्स ला सकें। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, वाहनों में पश दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस बार एग्जाम के लिए 2020 के लिए ये एक नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे याद कर ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ से देख लेंगे दूसरा नंबर, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस, देख लीजिएगा। और आवेश का एसआई मात्रक लिखिए, देख लीजिएगा। हाँ, फिर आ जाइए पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूरी से देख लेंगे, याद कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों, जो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है उसे भी आप देख लेंगे, लेकिन आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु का नाम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के लिए दोस्तों, आप इसे ज़रूर ध्यान देंगे। दूसरा आप देख लीजिएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है, लेकिन तीसरा नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, इसे भी आप जरूर याद कर लेंगे। एल्किन और एल्काइन और एल्केन, तीनों याद कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बार के लिए एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। प्रथम समूह में कितने तत्व हैं, इसे भी देख लेंगे आप। फिर आ जाइए यहाँ पे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, मेरा उम्मीद है एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन दोस्तों ये बैठ जाएगा, तीसरा नंबर जो किरण आरेख खींचने वाला है, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और ये एग्ज़ाम में मेरा उम्मीद है आ जाएगा। आइए आगे, हाँ, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये भी दोस्तों आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है यहाँ से आपका, ये भी, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। पांचवा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे कैसे दूर किया जाता है। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे VVI हैं। सिक्स नंबर, धातु में धातु, ये भी क्वेश्चन VVI है। चार, पाँच, छः, एकदम याद करके जाना दोस्त, छोड़ना नहीं। आगे आते हैं हम, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ठीक है, इसे भी आप देख लेंगे। और आपका फिर यहाँ पे एट नंबर है, एक ही वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं, इसे भी देख लेंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए आगे आइए, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल कोई भी आ सकता है, लेकिन देख लीजिएगा, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये दस नंबर, दस नंबर में तो कह नहीं सकते हैं कि यही आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, ओम का नियम, ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, ओम का नियम क्या है, ओम किस राशि का मात्रक है। या तो इसको 5 नंबर में भी डाल सकता है, नहीं तो 3 नंबर में भी रख सकता है, लेकिन ओम का नियम पूछेगा ही पूछेगा, आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे और ओम के नियम को सत्यापित भी करने आप सीख लेंगे। आगे आइए, जिप्सम क्या होता है, ये तो उतना हमको नहीं लगता है कि इस बार आएगा, लेकिन नीचे देखो इसका अथवा में जो दिया हुआ है,
ये निम्नलिखित का सामान्य नाम क्या है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, एकदम परफेक्ट याद कर लेंगे। अब आते हैं, ये दोस्तों मेरा फुल गारंटी है इस बार के लिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। इसका अथवा भी जरूर आप देख लेंगे, मतलब कि आना ही आना है इसको इस बार। अब देखिए, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप देख लेंगे, VVI है। हाँ, फिर 15 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का एग्जाम के लिए, आप इसको पूरा याद कर लेंगे, किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रहना चाहिए इसको सिद्ध करने के लिए, है ना, पूरा सीख लेंगे। आपकी R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, देखो कभी कभी चेंज कर देता है श्रेणी क्रम, नहीं समांतर क्रम भी दे सकता है, ठीक है। समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम बोलते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। ये देखिए आपका आगे आ जाइए, 16 नंबर तांबे के प्रमुख अक्ष का नाम एवं सूत्र लिखिए, इसे भी आप देख लेंगे। आप आगे आइए, ये देखिए दोस्तों अथवा, इसका जो अथवा जो है बहुत VVI है। निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, आप इसका जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, संरचना सूत्र जरूर लिखने सीखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो ग्रुप आ रहा है, जीव विज्ञान का ग्रुप है, सजीव जगत और प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ से आप देखेंगे ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन VVI है, और फिर यहाँ पे जीव जनन क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसको, ठीक है, जीव जनन क्यों करते हैं। और फिर आपका यहाँ से आगे चलिए, तो ये है आपका मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, आप इसे भी ध्यान से देख लेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला। बायोगैस के मुख्य घटक का नाम लिखिए, जरूर आप ध्यान देंगे दोस्तों। निषेचन किसे कहते हैं, सौर स्थिरांक क्या है, ये सब क्वेश्चन देख लेंगे आप, ये दोनों, ठीक है। इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर जो आपका है, हम जल प्रणाली का संरक्षण कैसे करते हैं, दोस्तों आप इसे जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। 22 नंबर देख लो, रक्त और लसिका में अंतर लिखिए, अब इसमें नहीं कह सकते हैं लेकिन देख लेंगे आप। ये देखिए आपका यहाँ पे 23 नंबर जो है, इसमें कुछ फिगर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन का कहीं पे जो है मिल नहीं रहा है आंसर, सर्च में लगे हुए हैं लेकिन अच्छा से मिल नहीं रहा, अगर किसी को मिले तो हमें ज़रूर सेंड करना, देख लेना इसको, और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन इसे थोड़ा सा देख लेना। हाँ, ये देखिए आपका एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाएं, ठीक है, समझात अंग, दोस्तों ये बहुत VVI क्वेश्चन है, 25 नंबर आपके एग्जाम के लिए, आप इसे नहीं छोड़ेंगे, आप इसे ज़रूर देख लेंगे, याद कर लेंगे। और इसका अथवा भी आप देख लेंगे कि प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कोई आ सकता है, अथवा या वो दोनों में से कोई दे देगा। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लो, ये 26 नंबर यहाँ पे जो है आपका, 26 नंबर जो है बहुत VVI क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, आप इसका एकदम से प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। बाकी इसका अथवा देख लेंगे, ठीक है। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों मैं बता दिया, आप उस जो मैं बताया हूँ कि ज़्यादा VVI है उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उस पर विशेष ध्यान देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, ये मेरा कुछ जैसे यहाँ पे हमारा नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है, जो भंडरिया प्रखंड के अगर बच्चे देख रहे होंगे तो अपने भाई बहन को ज़रूर सजेस्ट करेंगे, जो 8-9 में है अभी, उनको आप बताएंगे। हमारा बैच जो है, एक तो फरवरी में ही हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन फिर मार्च में भी स्टार्ट करेंगे और अप्रैल को भी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम रंजीत कुमार प्रजापति है, मैं बीएड और एमसीए और बीएससीसीए किया हूँ, 6 साल लगभग पढ़ाते हो गया मेरा। डायरेक्टर ऑफ जावा कंप्यूटर सेंटर एंड डार्क कोचिंग सेंटर भंडरिया, गेस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ गर्ल्स हाई स्कूल भंडरिया। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये कुछ दिक्कत होता है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। माई यूट्यूब चैनल लिंक है, ये लिंक है मेरा यूट्यूब चैनल का, आप इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक है दोस्तों,
थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।